हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम कृष्णा है और आज आपको मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से ये पेन कैमरा अगर आपका फुली ख़राब हो जाता है, जैसे कि ये सब चीज़ें, इंटरनल बैटरी भी नहीं चल रही इसका, ऑन ऑफ करके देख रहे हैं तो ऑन भी नहीं हो रहा, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे काफ़ी कम कॉस्ट में। और पूरा इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे वर्किंग होता है, कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको ये इस तरीके से ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद ये देखिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे ठीक होएगा, तो अभी साइड रख देते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं हम। तो ये देखिए, जहाँ ये जो ऊपर आप, एक मिनट रुकिए, ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ना, इसका कैप, इसको आपको रिमूव करना होगा। आप किसी की भी हेल्प से ना इसको रिमूव कर सकते हैं, ऊपर जो ये जो ब्लैक सा है, ठीक है ना, इसका ये इस तरीके से बटन निकल जाएगा, ये ऊपर का कैप निकल जाएगा, फिर आप इसको साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो कैप है ये भी निकलता है इसका, इसको थोड़ा सा राउंड घुमा के या किसी चीज की हेल्प से लेकर, मैं एक मिनट इसको पेचकस की हेल्प से लेकर खोलूं, तो ये मैं पेचकस से इसको ओपन करके देखता हूं। ये देखिए, तो ये अलग हो चुका है इसके यहां से, ठीक है। अब ये इस तरीके से अंदर से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ नहीं खोलना है, इसको क्या करना है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको आपको ऊपर की तरफ डालना है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों का ओपन नहीं होता, तो थोड़ा सा इसमें आप जोर लगाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक गम लगी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये गम की वजह से ना ये चिपक चिपक जाता है इसके कैमरे के अंदर, तो ये जल्दी से निकलता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा पुश करेंगे तो निकल जाएगा ये। तो अब आपको क्या है, ये अंदर का ये पार्ट साइड में रख देना है। अब ये अंदर देखना है कि अंदर आपकी क्या चीज खराब हुई है। इसमें ज्यादातर जो देखा गया है, इसमें ज्यादातर बैटरी की प्रॉब्लम होती है, तो बैटरी बिल्कुल खराब हो जाती है या बैटरी के तार वार इसमें से हट जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये बैटरी के वायर इसमें हट चुका है, ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर, मतलब नेगेटिव वाला वायर हट चुका है। अगर दोनों वायर भी हट जाते हैं तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आप ये देखेंगे, इसमें एक लिखा होता है, एक मिनट में आपको इससे दिखाता हूँ, ये नेगेटिव का है, और ये देखिए पॉजिटिव वाला देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव भी लिखा होता है, ये देखिए ये पॉजिटिव, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉजिटिव होता है लाल वाला और नेगेटिव होता है काले वाला, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी देखने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि लोगों का क्या होता है, इसके अंदर मेमोरी स्टोरेज बंद हो जाता है, स्टोर नहीं कर पाती मेमोरी, तो उसमें उन केस में क्या होता है, जब आपके हाथ से कभी पेन कैमरा ये गिर जाता है, तो ये जो पीछे मेमोरी कार्ड लगा होता है, जैसे इसमें इसके अंदर लगा होता है ये मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड क्या होता है, या तो करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर इसके अंदर ये हिल जाता है, तो आप एक बार इसको निकाल के ये भाई साफ करके और दोबारा से इसमें लगा सकते हैं। जिस तरीके से मेमोरी कार्ड निकालते हैं उसी तरीके से इसको यहाँ से ऐसे खींच के निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ मैं, तो ये देखिए थोड़ा सा हेल्प से, ये इसको पेचकस की हेल्प से मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखिए ये निकल चुका है, ये पूरा ये मेमोरी कार्ड सेम एज इट इज होता है, जो माइक्रो एसडी कार्ड जो लगता है और चीजों में सेम वही है। अगर इसकी आप मेमोरी बढ़ाना भी चाहते हैं तो इसके अंदर ज्यादा मेमोरी वाला, जैसे कि इसके अंदर 4 GB वाला मेमोरी कार्ड लग रहा है, आप इसमें 8 GB का, 16 GB का कोई और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, वो भी इसके अंदर फुली वर्किंग होगा, ठीक है। बट उसके बाद आप एक बार जब भी कार्ड ये डालें तो फॉर्मेट जरूर करें कार्ड को, उसके बाद इसमें डालने का, अदरवाइज करप्ट हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा कई केसेस में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से निकालना है और इसी तरीके से दूसरा कार्ड डाल देना है। अभी मेरे को इसमें मेमोरी अपग्रेड की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को मेमोरी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, अदरवाइज में मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ। दूसरे बात, अब इसमें क्या करते हैं, हम जल्दी से ये वाला वायर लगा लेते हैं, ठीक है। और जब भी आप ये बैटरी को इसमें लगाएं, क्योंकि आपका पुराना हो चुका है ये काफी, तो इसको एक बारी पहले आपको चार्ज करना है जब इसके आप वायर लगा लें, ठीक है। तो मैं जल्दी से, मैंने सोल्डर गर्म कर रखा था, ये नॉर्मल सोल्डर है, आप इसे छोटा सोल्डर भी ला सकते हैं, और मैं इसे मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए लग चुका है ये,
ठीक है, अब मैं इसको जल्दी से इसके और चीजें बता देता हूँ उनको, ठीक है। इसके अंदर ये होता है प्लस इसकी कभी कई बार ये जो कैमरा होता है ना, कैमरे की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा इसको भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, सॉरी इसमें भी कर सकते हैं। प्लस ये बटन भी खराब हो जाता है कई बार, बटन भी आप यहाँ से खुद चेंज कर सकते हैं या किसी मोबाइल वाले से चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली आता है। आपको ये चीजें इसमें आसान पड़ेगी जब, क्योंकि आपको नया पैन कैमरा ना लेना पड़े, आप ये दो चार चीजें इसमें खुद भी ठीक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानते हैं, अदरवाइज आप किसी भी मोबाइल एक्सेसरीज वाले के पास जाइए, बट ऐसे खोल कर लेके जाइएगा, क्योंकि नहीं वो खोलते नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि अंदर ये क्या वर्किंग है उनको, क्योंकि उन्होंने कभी खोला नहीं होता अंदर से ये क्या देखा नहीं होता। तो आप उनसे डायरेक्ट कहिएगा सर ये मेरा ये वायर लगा दीजिए, या अगर आपका कोई बटन खराब है तो आप कहिएगा ये मेरा बटन लगा दीजिए। इजीली ये मोबाइल एक्सेसरीज वालों के पास बटन अवेलेबल होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो और मेमोरी कार्ड आप खुद चेंज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड तो बहुत इजी है, मेमोरी कार्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है इसके, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको हम करते हैं, इसको दोबारा डाल के देखते हैं कि किस तरीके से ये डलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ये इसमें ये दिया हुआ है, ये इसको आप यहीं पे चिपका देंगे। इससे चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, ये कैमरे की डायरेक्शन है, ये कैमरे की डायरेक्शन आपको देख के डालनी है इसके अंदर, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से डालना है, ये इस तरीके से सीधा, जो कि क्योंकि कैमरे की जो ये पोजीशन है ये ऊपर जब ये आए तो ये ठीक से इसमें कैमरे की उसमें जो होल है इसमें कैमरा बिल्कुल एकदम सेट से डल जाए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये डालने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा कैमरे को पुश करके भी डाल सकते हैं, सॉरी मैंने गलत डाल दिया, इसको इस तरीके से डालना है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो कैमरे को फिर भी आपको इसी पोजीशन में रखना है और ये इस तरीके से अंदर जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये आप धीरे धीरे थोड़ा सा रोटेट, अगर कोई नहीं जाता तो ऐसा हल्का सा इसको फ्लिक करके भी घुमा के भी डाल सकते हैं। फिर ये देखिए इधर से ये निकल गया, अब इसको आप ऐसे घुमा के डाल सकते हैं। देखिए कैमरा की आ गई पोजीशन, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। अब जब कैमरा की पोजीशन आ चुकी है तो मतलब ये ठीक से लग चुका है। अब इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, कोई ग्लू हो आपके पास तो साइडों में इसमें ग्लू भी लगा सकते हैं। फेविक्विक मत यूज करिएगा, फेविक्विक नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम ये खुलेगा भी नहीं। तो कोई और ग्लू हो आपके पास तो वो ग्लू लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है, हमें ये बटन्स लगाने हैं ऊपर, सेम वैसे ही लगाने हैं। इसको आपको ये जो पार्ट है इसका व्हाइट वाला, इसको नीचे रखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर से किसी चीज से ठोक देंगे। तो इसमें फिर ये इसके ये लगाने के बाद आप इसमें ये इस तरीके से ये जो कैप दे रखी है आप इसको ऊपर इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद इसको जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको किसी भी तरीके से आप कैसे भी करके घुमा फिरा के भी इसमें ऊपर लगाइएगा। लगाने के बाद आपको एक बार इसको रोटेट करना है थोड़ा सा हार्डली, ठीक है ना। आप इसको रोटेट करेंगे और उसके बाद इस बटन को दबा के देखिए, क्लिक आवाज भी आ रही है इसमें, ठीक है। अब ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें एक काम करना है, बस इसमें इसको चार्जिंग करना है, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं थी काफी टाइम से हमने रख रखा था, तो ये चार्ज नहीं थी बैटरी। इसको हम चार्जिंग पे ला देते हैं इतने, और उतने में आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो चीज हो जाती है इसके अंदर, ज्यादातर ये लोगों के प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आ जाती है, तो इसको कैसे ठीक करें, इतने हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये ऑन हो चुका है, ठीक है, ये चार्जिंग हो रहा है। तो देखिए अब इसको मैं बताता हूँ कैसे ठीक करना है आपको। जब ये इस तरीके से हो जाए या कोई और प्रॉब्लम भी आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट ऐसे करके खींच के निकालना है बाहर को। तो ये दबाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये आगे को पुश हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मेहनत का काम है, हल्का सा इसको दबाएंगे पीछे को जो कि आगे को जाए। वैसे बहुत मुश्किल से लगा होता है, मुझे लग नहीं रहा ये आगे को जाएगा। मेहनत तो पूरी चल रही है बट ओह माय गॉड, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही आगे कराया, उसी से इसका काम हो चुका है, ये पूरा सेट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ही आगे हुआ वो, और वो ये सेट हो गया है। अब आप इसको ओपन डाउन पूरा कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व।
बाकी और भी कोई आपके पेन में, पेन कैमरा में प्रॉब्लम आती है? सेम ऐसा ही प्रोसीजर जो कार्ड वाला पेन होता है उसमें भी सेम एज इट इज प्रोसीजर होता है, उसमें भी कोई न्यू नहीं है। बट उसमें बस ये है कि उसके अंदर कार्ड होता है, उसके बाहर कार्ड लगाना पड़ता है, सेम एज इट इज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम होंगी। अब आप उस जो मैं पेन कैमरा है वो चार्ज अभी मेरा नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट आपका वो पेन कैमरा आप कम से कम 2-3 घंटे चार्ज करके उसके बाद यूज कर सकते हैं। अभी ये पेन कैमरा मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये अभी थोड़ा सा चार्ज नहीं हुआ है इसको, क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन थी और मैंने पुरानी बैटरी लगाई है इसकी। आप अगर चाहें तो न्यू बैटरी भी लगा सकते हैं, बाकी इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है बैटरी के अलावा। कोई इसके अंदर की सप्लाई प्लाई जो भी आईसी वगैरह होती है वो खराब नहीं होती, प्लेट्स वगैरह वो खराब नहीं होती हैं, केवल की बैटरी की दिक्कत आती है और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और बाकी ये कैमरा सेट वगैरह नहीं होता, जैसे वीडियो नहीं दिखा रही हो तो उसमें कैमरा की सेटिंग की दिक्कत आती है, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई दी हैं कि ये कैसे ठीक करनी है। अब ये पेन कैमरा ओके हो चुका है, इसको चार्जिंग करिए और उसके वो यूज़ करिए। तो थैंक यू फ्रेंड, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी आपको इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहूँगा, कैमरा के बारे में बताता रहूँगा और किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी समझाता रहूँगा और ठीक कैसे करते हैं वो भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।